मंजरी न्यूज 22 इंडिया में आपका स्वागत है। तो चलिए रुक करते हैं अब तक की ताजा खबरों की तरफ। तूफानी जनसंपर्क कर दिलीप और कमल ने घर घर जाकर मांगे वोट। भाजपा प्रत्याशी रवि शर्मा को जीत दिलाने का लिया संकल्प। उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद से भारतीय जनता पार्टी से सदर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रवि शर्मा का जनसंपर्क तेज हो गया है। कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुनः जीत दिलाने के लिए कमर कस ली है। पंडित दिलीप पांडे और भाजपा के वरिष्ठ नेता कमल सहगल सहित कार्यकर्ताओं ने प्रेम नगर के बिहारीपुरा, नूर नगर, शास्त्री नगर आदि में सघन जनसंपर्क करते हुए घर घर जाकर भाजपा प्रत्याशी रवि शर्मा को भारी मतों से जीत दिलाने के लिए वोट मांगे। जनसंपर्क के दौरान पंडित दिलीप पांडे ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्रों में केंद्र व राज्य की जो योजनाएं हैं, इसमें उत्तर प्रदेश को नंबर वन पर लाने का काम किया, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना, टीकाकरण, गरीबों के लिए अन्न वितरण, गरीबों को जान और जहान दोनों बनाने का काम मोदी जी और योगी जी की सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत भाजपा ही सर्व समाज का कल्याण करती है। भाजपा की जीत राष्ट्रवाद की जीत है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से लोगों को बताया। जनसंपर्क के दौरान घर घर जाकर जनता से आगामी 20 फरवरी को होने वाले मतदान में कमल के फूल का बटन दबाकर भाजपा प्रत्याशी रवि शर्मा को पुनः भारी मतों से जीत दिलाने की अपील की। जनसंपर्क के दौरान सुनील पराशर, संजय कंचन, रवि रावत, पलक वर्मा, बबली, पूजा किरण, ममता देव कुमारी, उर्मिला शांति, जन्नत बेबी, सबीना, आकाश द्विवेदी, बाबा संदीप चौधरी, बल्ले अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। झांसी उत्तर प्रदेश से न्यूज 22 इंडिया के लिए यूपी हेड शाहिद खान की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की ताजा खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 22 इंडिया, खबर भी असर भी, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।